नमस्कार, मनोज तिवारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जाने माने नेता विजय मिश्रा जी हैं। विजय मिश्रा जी एक समाजसेवी भी हैं और जाने माने व्यापारी भी हैं। बहुत शुरू से ये व्यापार कर रहे हैं और मिश्रा मशीनरी नाम से इनके संस्थान बहुत प्रसिद्ध हैं। आप मेयर का 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, आगामी विधानसभा चुनाव सर दक्षिणी से लड़ने की भरपूर तैयारी है। आइए मिश्रा जी से उनके राजनीतिक विषय पर बात करते हैं। मिश्रा जी, मेरे टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि आप व्यापारी हैं, आज की तारीख में व्यापारियों के लिए क्या संकट का समय है या क्या परेशानी है? देखिए, व्यापारी तो पिछले नोटबंदी के दौरान ही संकट में आया था और धीरे 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 रिकवरी हो रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने 7 महीने से व्यापार की स्थिति डामाडोल होने लगी। एक तो जो इंटरनेशनल जो ट्रेडर हैं वो हावी होने लगे भारत पर, जो FDI कंपनियां घुसने लगी उससे नुकसान, और यहाँ का जो कैपेसिटी थी परचेजिंग पावर वो ग्राहक की कम होती गई, घटती गई। इसलिए व्यापार यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ। इलाहाबाद शहर बड़े शहरों से घिरा हुआ है, कानपुर और बनारस से, उसका भी इफेक्ट पड़ा। लेकिन जब से ये COVID-19 आया और जो भारत सरकार की योजना थी उसके तहत व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, व्यापार करना मुश्किल हो गया है। और 3 महीने की जो व्यापार बंद था इस दौरान, चाहे वो उसके खर्चे बढ़े घटे नहीं, और 99% व्यापारी यहाँ का अपने कर्मचारियों को पैसा दिया मानवता के आधार पर, और उनको बैठ करके पेमेंट बैठा कर पेमेंट दिया। बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, और तरह तरह के खर्चे वो बढ़े। तो आज जो विभिन्न प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके, जैसे आज कपड़े व्यापारी है वो हफ्ते में 3 दिन खुलता है और 3 दिन बंद होता रहता है, तो क्या कोरोना 3 दिन आता है 3 दिन जाता है? हाँ, आपने सोशल मीडिया पर एक बात लिखी थी सर, आप बात आगे बढ़ाएं, इसके पहले मैं जो है पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो क्या कोरोना भूत हो गया है? मतलब वही कि अब ये बहुत अजीब तरह के टर्म्स एंड कंडीशन है। होटल व्यापार है पिछले 3 महीना से बिल्कुल बंद है, कर्मचारियों को बैठा करके दिया जा रहा है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स और तरह तरह के पेमेंट उनको देना ही देना है। अब वो इतना टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके होटल खोलने के लिए कह रहे हैं, ये जाहिर बात है जब भारत सरकार की बसें खाली जा रही हैं, ट्रेनें खाली जा रही हैं। अब भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार बसों की सीमाएं कम कर रही है, संख्या कम कर रही है, तो होटल में कोई आगे रुके नहीं। फिर आपके टर्म्स एंड कंडीशन को एडाप्ट करे तो व्यापारी का खर्चा बढ़ेगा। तो बहुत से होटल व्यापारी इस समय भी होटल बंद किए और करना मतलब बंद करना ही चाहिए, खोलने के दौरान भी वो नहीं खोल रहे। अब रेस्टोरेंट खुल गया तो सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशन, खाओ कैसे खाना है, दरवाजे पहुंच जाए खा लीजिए, तो कोई मतलब अजीब से लगता है कहने में भी कि दरवाजे पर पकड़वा दीजिए वो खा ले। तो ये संकट की घड़ी में सरकार भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं दे रही है जिससे व्यापारी असहाय परेशान है। अब चूंकि सरकार है उसके हिसाब से ये बताइए, क्या कर्मचारियों की छटनी जो है लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया? नहीं, अभी तो नहीं किया है, लेकिन जैसे हमारा होटल व्यापार है तो उसमें 40-45 लोगों का स्टाफ है। जाहिर है जब हमारा व्यापार नहीं चलेगा तो छटनी करनी पड़ेगा, इससे बेरोजगारी तो बढ़ ही रही। बेरोजगारी लगभग यहाँ का आज 13 करोड़ नौकरियां जा चुकी है पूरे भारत में, और जो पहले से पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं तो बेचारे बैठे मुंह ताक रहे हैं भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का। तो सारी चीजें 3 साल के लिए रोक भी गई है सर, सारी योजनाएं रोक दिया है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा सरकार का, तो करे क्या? बेरोजगारी तो अति हो गई है और बहुत शर्म सीधा हो जाएगा। हम $5 ट्रिलियन बनाने जा रहे थे, भारत सरकार तो आप देखिए जैसे व्यापारी हो, जैसे भारत सरकार व्यापारी है, उसको जब नुकसान होने लगा उसने दारू का अड्डा खोल दिया,
रेट बढ़ा दिया, तो जिसको लेना पीना है वो अपनी रिकवरी कर लिया भारत सरकार को, तो फायदा हो गया बड़ा। व्यापारी कहीं कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। सर आपको क्या लगता है कि सरकार को व्यापारियों के हित का, व्यापारी खुद भी है, जैसे कि अभी आपने कहा कि सारे प्रबंधन बंद होने के बावजूद भी बिजली का बिल आ ही रहा है, हाउस टैक्स आ ही रहा है, आज की दौर में व्यापारियों को, आम आदमी को, सरकार को क्या सुविधा देगी? देखिए सुविधा तो यही चाहिए कि ये जो एजुकेशन विभाग है वहाँ का फीस 3-4 महीने 6 महीने जब तक स्कूल बंद है उसको माफ करना चाहिए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली का इस पे कंट्रोल करना चाहिए, माफ करना चाहिए। व्यापारी खुद अवसर परेशान है, सबसे बड़ी समस्या जो व्यापारी 25,000, 30,000, 40,000 ये नौकरी पेशा करने वाला 25,000 रुपए कमाता था उसके सामने संकट है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी सामने हाथ नहीं फैला सकता, किसी से भीख नहीं मांग सकता, वो घुटन में है। जो गरीब है जिसको अनाज पे अनाज दिया जा रहा है वो हर काम कर लेगा, फौड़ा भी चला लेगा, मनरेगा भी चला लेगा, सब्जी भी बेच सकता, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो फंसा हुआ है, न सरकार से कह पा रहा है न अपने पड़ोसी से कह पा रहा है। अच्छा नेता जी, आपको कांग्रेस के नेता है और आप जो है अभी कांग्रेस से मेयर का चुनाव भी लड़े थे, इसका मतलब कि नगर निगम के इलेक्शन और नगर निगम क्षेत्र में आपकी रुचि भी है। सबसे पहले तो ना मेयर से ही मेयर के उम्मीदवार के रूप में आप नगर निगम एरिया में क्या समस्या है? देखिए नगर निगम एरिया में आप हमारे अभी रोड पे आए हैं, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा हुआ है जान से गंज से लेकर के और रामबाग तक। आप चले जाइए नालियों की व्यवस्था देख लीजिए, नाली जो ढकी गई है एक भी पत्थर जो ढला हुआ है वो सब टूटे हुए हैं, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, बगल में देख लिए नाली जाम हुए हैं। तो सफाई व्यवस्था, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता जो स्वच्छ भारत बना रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, झाड़ू लगा रहे, उनको हकीकत अब निकलना चाहिए, अब निकलना चाहिए उनको। और भारत में एक साल की उपलब्धि जो सोशल मीडिया बता रहे हैं वो झंडा लेकर के भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम कहते हुए एक साल की उपलब्धि बतावे तो जनता समझे ना कि जनता की क्या उसका रेट करती है। तो 3 साल का समय प्रदेश सरकार कर रही है, इस 3 साल में योगी सरकार के कार्यकलाप से विजय मिश्रा कांग्रेस नेता कितना है? देखिए अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उछल कूद रही, हर आदमी डिस्टर्ब है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, व्यवस्थित कोई काम नहीं, जैसे बंदर होता है एक जगह से दूसरी बात हो रहा है और दूसरी तीसरी जगह है, लेकिन जमीन पे कोई कार्रवाई दिखने नहीं है। केवल और केवल हिंदू मुसलमान का टेरर दिखा करके हिंदू भाइयों को, एक हिंदू मुसलमान को ये बताए तो मुसलमान दबा हुआ है, इसी में संतुष्टि। व्यापार का नुकसान हुआ है और ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भी जानती, जो राजस्व जाता था वो कम हो गया, लेकिन बताए कौन, उनकी योजनाएं ऐसी। मेरा मतलब अभी आपने कहा कि समाज में हिंदू मुस्लिम करके भावनात्मक बातों के जोड़ करके आपको लगता है कि राजनीति का ट्रेंड जो है वो एकदम से बदल चुका है? नहीं, राजनीति तो आज इतना दूषित हो गई है कि कल्पना के बाहर है, अपने लाइफ में इस तरह की राजनीति नहीं देखा है। लोगों का प्रताड़ित, सरकारी कर्मचारी हो वो भी परेशान है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, इंडस्ट्री वाला हो वो भी डर के मारे अगर किसी ने कुछ कह दिया, हकीकत बोल दिया तो उसको झेलना पड़ता है। आम जनता तो बस किसी तरह से पिंड छुआना चाहती है, बोलो ना, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी भैया बोलने से बेइज्जती अपनी कराना है ये आप सोशल मीडिया पे देखिए, मतलब सरकार के खिलाफ बिल्कुल डरा हुआ है इंसान, सरकार से बिल्कुल डरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो बहुत जो है सरकार का विरोध करती है, सरकार का विरोध नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका विरोध करती है। कि अगर मान लीजिए कि अभी प्रियंका जी ने 1,000 बसें दिया, नेता यदि काम करे जनता के हित में तो नेतागिरी हो रही है, और काम न करे तो इन्होंने रोड पे दिखाई नहीं पड़ा, आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है।
जब 1000 बस की उन्होंने और यहाँ के उत्तर प्रदेश से सचिव साहब ने चिट्ठी लिखा कि हाँ बस मुहैया करें, 1000 बस उन्होंने भेजा, उसमें से 879 बस के उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप जनता के लिए हमारे पास 12000 बसें हैं तो पैदल चले भाई साहब। इस कोविड में जितना मृत्यु अस्पताल में नहीं हुई उतना मृत्यु रोड पर एक्सीडेंट में भूख और प्यास से लोगों मर गए, लोग करा रहे थे, रोएं कांप रहे थे टीवी और देख करके। अच्छा नेता जी ये बताइए, मैं कोरोना पर ही थोड़ा सा बात करूंगा क्योंकि राजनीतिक सवाल कोरोना से क्या आपको लगता है प्रदेश और केंद्र सरकार निपटने में सक्षम रही है, निपट पाई एक और पहले जा रहे थे। देखिए कोई भी सरकार हो एक बार की तो नहीं कर सकती, लेकिन इनकी योजनाएं रही ऐसी जिससे यहाँ का आर्थिक आधार टूट गया और व्यापार चौपट हो गया, कर्मचारी लेबर भूख और प्यास से प्रताड़ित हुए मरे, कहीं न कहीं योजना में गलतियां हो गई। यदि इन्होंने जिस समय भाई राहुल गांधी क्या थे उन्होंने आगाह किया थी आर्थिक सुनामी आने वाली, और इस पर आप ध्यान दीजिए लेकिन नहीं, अगर ट्रंप का ये स्वागत ना करते उसी समय इंटरनेशनल फाइट उठती तो ये जो पासपोर्ट के माध्यम से बड़े लोग लेके आए यहाँ के अर्थव्यवस्था यहाँ गरीब की व्यवस्था चौपट करती वो ना होता। फिर ले आए तो इंटरनेशनल फ्लाइट एयरपोर्ट के आसपास और सेंटर बना देते। आपका कहना है कि कोरोना से निपटने में सरकार कहीं ना कहीं चूक काम रही है। अच्छा सर राजनीति की बात करते हैं, आप बताइए कि क्या आज जातिवादी राजनीति ज्यादा हावी होने की वजह से राजकीय पार्टियों को दिक्कत हो रही है कांग्रेस को खासतौर? देखिए ऐसा है कि जातिवाद तो इतना उभार हुआ है चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस में कभी जातिवाद नहीं था, आप लोग भी जानते हैं इससे संबंधित है, आप कभी कांग्रेस नहीं रहा, हर जात हर वर्ग का कांग्रेस में जो आ रहा, लेकिन जब से ये सपा बसपा आई है ना तब से जातिवाद बहुत ज्यादा हुआ। वो हम देख रहे हैं भाजपा तो और जातिवाद हो गई, भाजपा में तो और जातिवाद हो गया है, ये आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक जात वर्ग विशेष भरे हुए हैं, लेकिन ये जातवाद तो ये सबसे ज्यादा हो गए, आरक्षण की बात सबसे ज्यादा यही करते हैं कि जब तक हम जिंदा है आरक्षण को हटा नहीं सकता, जातवाद और आरक्षण और सारे मुद्दे ये लेकर चल रहे हैं। अच्छा सर आप सर दक्षिणी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सर दक्षिणी से बीजेपी के मंत्री भी है नंदी, आपको लगता है कि सर दक्षिण के मंत्री की हैसियत से जो काम होना चाहिए तो वो नहीं हुआ? अब ऐसा है ये है कि यहाँ की जनता सब देख रही है समझ रही है और वो वक्त भी अपना जैसा होगा करेगी वोट भी करेगी, अगर अच्छा काम किए हैं तो फिर जीतेंगे। एक नेता के रूप में एक अपोजिट नेता के रूप में विजय मिश्रा जी क्या जो है मूल्यांकन करते? देखिए दक्षिणी में है हम भी यही रहते हैं, यहाँ से हमारा आज पूरे दक्षिणी में आना जाना होता है क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिष्ठान है हमारे घर है सब कुछ यहाँ पे, तो जो आप भी निकलेंगे हमारे साथ देखिए क्या व्यवस्थाएं हैं, नाली सड़क पटरी यही तो नगर निगम और विधानसभा का है, पानी की व्यवस्था तो पंडित केसरीनाथ की पार्टी ने इतना दे दिया यहाँ ट्यूबवेल की पानी समस्या नहीं, लेकिन जो साफ सफाई और जो डेवलपमेंट होना चाहिए दक्षिणी विधानसभा में नहीं आता है, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए उनको प्रयास करना चाहिए, आपको और विशेष प्रयास करना चाहिए कि यहाँ रोजगार उपलब्ध हो, आपके संकट तो ये संकट होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने सपना दिखाया था कि हमारी दिली चाहत है कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे, लेकिन अब उल्टा हो गया, जो हवाई यात्रा करता तो हवाई चप्पल भी किसी गई उसकी, मतलब तो देश विदेश के हालात ठीक है, आगे और गड़बड़ होने वाला है, आगे और गड़बड़ होने वाला है और इसके इनको बहुत विशेष सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अच्छा सर आप कांग्रेस नेता है, सर दक्षिणी में कांग्रेस का ग्राउंड कितना मजबूत है या कांग्रेस के ग्राउंड देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में या शहर दक्षिणी में पिछले 32 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं, हमें तो बड़ा आश्चर्य और अच्छा भी लगता है कि तब से कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है,
कांग्रेस से, और रोड पे काम भी कर रहा है, भले कम कर रहा है या ज्यादा। ये सबसे बड़ी बात, जिसके शासन में 32 साल से उसके कार्यकर्ता ले, लेकिन मैं बहन प्रियंका जी ने जिस हिसाब से स्टेप लिया है और उनका पूरा पूरा ध्यान फोकस 2022 उत्तर प्रदेश में है, तो हम समझते हैं कि कांग्रेस आज बड़ी मजबूती से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत सरकार से लड़ रही, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, जिसको इन्होंने कहा कि पूरा देश लूट डाला, इन्होंने कहा था देश को बर्बाद कर दिया, पिछले 55 साल इन्होंने कुछ नहीं किया है? अब उसी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता जवाब दे रही उनको है कि अब जो यहाँ सुई नहीं बनती थी सब कुछ कांग्रेस देन है, जितना ये देख रहे हैं भारत में ये सब कांग्रेस देन है, भाजपा ने अभी तक कुछ ऐसी देन नहीं किया, भाजपा ने दिया है वैभिन्नता, दूरी, खिंचाव, तनाव, ये दिया है भाजपा ने। अच्छा सर, शहर दक्षिणी के लिए खासतौर से सोचिए कि मैं कल्पना करता हूँ कि विजय मिश्रा जी विधायक हो गए कांग्रेस से, तो शहर दक्षिणी के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए योजना है, अपना शहर साफ सुंदर होना चाहिए, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ सड़क पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यही विधानसभा का और ये मेयर का काम है। लोगों को रोजगार अगर नई नई इंडस्ट्रियाँ छोटे छोटे मिल जाए, अब कांग्रेस दिन है मेजा कताई मिल कांग्रेस थी, यहाँ पे कताई मिल था आपका महुआमा में, महुआमा में, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दूरदृष्टि आज सब बंद है, छोटे छोटे यूनिट लगाना चाहिए वो है ही नहीं, तो इसमें फोकस होना चाहिए, चाहे विधानसभा विधायक हो चाहे मेयर हो, कैसे रोजगार उपलब्ध हो, हमारा शहर सुंदर हरा भरा हो, यही हो। चीज और बताइए, आप राजनीति में देख रहे हैं गठबंधन की राजनीति से आप क्या कहेंगे, कांग्रेस गठबंधन कर लेती 100 सीट पे लड़ती है, उसके नेताओं को मौका नहीं मिलता है, क्या लगता है कि गठबंधन की राजनीति? गठबंधन तो हमारे यहाँ से नहीं होना चाहिए, गठबंधन कांग्रेस मूड में नहीं है, क्योंकि एक बार दो बार गठबंधन करके देख लिया है उसका नुकसान हुआ है, तो इस बार जो प्रियंका जी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में चमत्कारिक नेता कांग्रेस के पास कोई नहीं है, प्रियंका जी अगुवाई करेंगे? अब ये तो भविष्य में भविष्य के गर्भ में है हम कह रहे हैं, लेकिन चमत्कारी नेता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में है, नेता नेता है, आगे और भी नेता हैं जो प्रदेश को संभाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है बहन प्रियंका भी प्रदेश की मुख्यमंत्री हो सकती है, ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा उम्मीद हो जाए बहुत अच्छा हो जाए प्रदेश को, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनके विचार अच्छे हैं कि हम प्रदेश को बहुत गति के साथ देना चाहिए, पिछले 30-32 साल में उत्तर प्रदेश में क्या मिला है, कौन सी इंडस्ट्री मिल गई यहाँ पर। प्रियंका गांधी से मुलाकात करके कैसा लगा? प्रियंका गांधी से मुलाकात के आत्मीयता, मतलब ऐसा लगा कि आत्मीयता के साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा मन में नहीं, फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, तो उन्होंने आत्मीयता से बात की, हमने उनसे बात किया और जैसे साफ साफ हमें बैठते होकर हमने कह दिया कि बहुत साफ होता है, साफ साफ बोलने वाले हैं, यहाँ जब रख दिया और बड़े आराम से इतना से बात की चर्चा। अच्छा नेता जी एक बात कही सर, दक्षिणी विधानसभा ये आपकी चॉइस है या फिर कोई दूसरी? अब पार्टी कहेगी तो दक्षिण लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो दूसरी के जहाँ कहीं वो लड़ेंगे, पार्टी के ऊपर है ये, पार्टी के ऊपर। चलिए सर, वैसे हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप सर दक्षिणी से लड़ेंगे, सर दक्षिणी की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सर दक्षिणी से जनता से अपील करना चाहते हैं कि और विनम्र अपील करना चाहते हैं कि जिस समय वोटिंग हो वो भावनात्मक और लक्ष्यदार और किसी तरह का प्रलोभन के चक्कर में ये नहीं पढ़ना चाहिए, स्वच्छ छवि देखना चाहिए, स्वच्छ विचार कर्म देखना चाहिए, उसका इतिहास देखना चाहिए प्रत्याशी का, तब वोटिंग करना चाहिए। हम आदरणीय पंडित केशवनाथ त्रिपाठी के साथ में लगभग 25 साल उनके साथ काम किया, उनकी छवि ऐसी रही, यहाँ पे छुंदन गुरु रहे जैसे नेता रहे, शालिग्राम जायसवाल जी जैसे नेता रहे, सत्य प्रकाश मालवीय जी जैसे नेता रहे, वर्तमान में कोई नेता नहीं। अब नंदी को उस रेंज में लेकर नहीं, हम किसी नाम लेते वर्तमान में इलाहाबाद में बता रहे कोई नेता नहीं है, आज किसी कार्यकर्ता में जोर पड़ जाए तो फोन रिसीव करने वाला नहीं है, पंडित जी या ज्योतिरमण जी
ये दो नेता है, इनको आधी रात को हमने फोन किया, विधानसभा में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, फोन डायरेक्ट उठाते थे। राज्यपाल भय फोन डायरेक्ट रिसीव होते और न उठे तो कॉल बैक करते थे। ये नेताओं की है, हम दोनों नेताओं से बड़े प्रभावित थे, रेवती रमण जी और केसीनाथ कुमार। सर आप रेवती रमण जी की प्रशंसा कर रहे हैं? प्रशंसा नहीं, जो व्यक्ति अच्छा, हमारी यही कमी है, जो व्यक्ति अच्छा है, ये राजनीति दोनों कीड़ा है और दोनों नेता कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि संबंध तो सबसे अच्छे होने चाहिए। सपा से भी आपके अच्छे संबंध, क्या सपा से? नहीं, ऐसा नहीं है, पर्सनल हमारे संबंध है ज्योति रमण जी से और पंडित केसी नारायण जी से अति संबंध है। तो हम जो अच्छे हैं, अच्छे को अच्छा कहना और बुरे बुरा कहना, हमने क्यों कहा कि आज जिताई हुई इलाहाबाद में कोई नेता नहीं है, जो कार्यकर्ताओं के या जनता के दुख दर्द और उसकी भावना को समझ करके नहीं उसका सपोर्ट करे, उसके दुख दर्द में शामिल हो, ऐसा नेता इलाहाबाद में। मिश्र जी, आप हमारे काम को उठा दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित विजय मिश्रा जी मेरे साथ में थे। पंडित विजय मिश्रा जी ने बताया कि सह दक्षिणी में आज बहुत सारी समस्याएं हैं, जबकि नैनी औद्योगिक एरिया में हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान जो नेतृत्व है वह इसकी तरफ कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अगर जनता ने इनको मौका दिया तो ये जरूर उसके लिए प्रयास करेंगे। विजय मिश्रा जी का कहना है कि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है और यह सही भी है कि इतने सालों से वह सत्ता में नहीं है, फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दमखम के साथ जनता के बीच में रहते हैं। हम आगे भी आपको विजय मिश्रा जैसे शख्सियत से प्रयागराज में मिलवाते रहेंगे, देखते रहेंगे।